नमस्कार दोस्तों, श्राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद योमवास शास्त्री। मित्रों, हर आदमी की इच्छा होती है मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो। हर नारी की इच्छा होती है उसके पास सुख समृद्धि हो, उसके पास ढेर सारे गहने हो। इस वीडियो में जिनके मन में लक्ष्मी की अधिक इच्छा है और जिन नारियों के मन में धन के साथ साथ ज्वेलरी की भी इच्छा है, उनके लिए यहाँ पर एक प्रयोग हम आप लोगों को बताने वाले हैं। यह प्रयोग अनुभव में काफ़ी अच्छा पाया गया है। कई वर्षों से इसका प्रयोग हम कर रहे हैं और हमारे गुरुओं के द्वारा बताया गया यह प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से घर में सुख समृद्धि का प्रभाव तेजी से बढ़ता है और माता रानी की कृपा घर में बनी रहती है। मित्रों, दीपावली के दिन कहा जाता है किसी भी मंत्र को जगाया जाता है। मंत्र जगने का तात्पर्य होता है उसमें पावर आ गया, अब वह आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही एक पाठ है जिसको कनक धारा स्त्रोत का पाठ कहा जाता है। यह पाठ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाला, एक तरह से गारंटी वाला पाठ कहा जा सकता है। इस क्रिया को अच्छे से कर ली जाए तो जरूर घर में सुख समृद्धि आती ही आती है। लक्ष्मी ही नहीं, माता की कृपा से संतान सुख, संतान धन, परिवार धन, गाड़ी धन, मकान धन, वो सारे सुख आते हैं जो माता लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए कैसे करना है और कब कब करना है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं। कनक धारा स्त्रोत को एक दीप जलाकर, माता लक्ष्मी की फोटो साथ में, गणेश जी तो रहेंगे ही, रखकर आपको दोनों को अक्षत पुष्प और साथ में गणेश जी को दूर्वा समर्पित करने के बाद इस कनक धारा स्त्रोत को ज्योति जलती रहे आपको 3 बार, 7 बार या 11 बार करना ही है। 3 बार वो लोग करें जो कर नहीं सकते हैं, नहीं तो अधिकतम 11 बार तो आपको करना ही चाहिए। 11 बार आप इसको करें और करने के बाद हर शुक्रवार को इसका पाठ आप करते रहें। अगर प्रतिदिन करेंगे तो बहुत सुंदर, नहीं तो हर शुक्रवार इसका पाठ करते रहें। आप देखेंगे 3 से 6 महीने में माता रानी की कृपा होगी, धीरे धीरे आपको वो सारे सुख प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे जिसकी लालसा आपके मन में है। कनक धारा स्त्रोत कोई मेरा विचार नहीं है, कहा गया है कि इसकी कृपा से कनक की धारा अर्थात सोने की धारा बरसती है। मैंने अनुभव में देखा जिन औरतों ने इसको किया, उनके पास, उन्होंने खुद अपना अनुभव हमसे साझा किया, उनके पास ज्वेलरी, गाड़ी और घर, इन सब चीज़ों की वृद्धि प्रतिदिन धीरे धीरे गति से होती रही और घर में जो तंगी थी, आर्थिक समस्या थी, वह समाप्त हो रही है। तो अनुभव में यह प्रयोग कई लोगों के लिए शुभ गया है। यह वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए दिवाली से पहले हम दे रहे हैं, आप लोग भी इसका लाभ लें और इसका अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसका लाभ जिसको भी मिलेगा वह शुभ होगा, आपका भी कल्याण होगा। कुंडली दिखानी हो या वास्तु के बारे में जानना हो, दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद, श्रीराधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।